चलो आगे देखो वापस देखो। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्मेल लव इन सब का कोई वेट नहीं है। वो उसका वो मतलब जैसे लव किसी से होगा हेट किसी से होगा तो वो उसका स्टिमुली है जैसे होगा। स्मेल किसी की होगी लेकिन स्मेल एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे सेंसेस करते हैं हमें नहीं बात कि नहीं। तो जब हम किसी चीज़ को कहेंगे कि स्मेल ऑफ दिस सो देन इट कंटेंस फ्लेवर। अदरवाइज सिंपली अगर कहा जाएगा तो नहीं माना जाएगा स्मेल है ठीक है या कोई भी चीज़ है तो उससे नहीं पता चल रहा है कि जब आप किसी चीज़ के कॉमेंट कर पाते हैं और हम इसको और क्लियर करेंगे जो पर्सन के लिए। हाँ बोलो नहीं लगता चलो इसको देख लेते हैं। Smell of perfume is matter or not? वो smell of perfume इसमें net में matter बोल रहा है क्योंकि वो किसी चीज की smell है ना। वो smell of perfume will contain the vapor, okay? तो अब दो चीजें देखते हैं। एक तो smell of perfume matter है क्योंकि उसमें उसके particles हैं। देखो अब हम देखेंगे is smell matter? स्मेल कोई मैटर नहीं हो सकती है लेकिन अगर हम किसी चीज़ की स्मेल जैसे लव मैटर नहीं है लेकिन कोई अगर पर्सन आ जाएगा तो लविंग पर्सन तो लविंग पर्सन किसी का नाम होगा। ओके ठीक है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन अगर वो नाउन के साथ कहा जाएगा है ना लविंग एटी ये सब अलग नाउन। अब देखो कुछ चीज़ें हम देख लें मैटर क्या होता है मानसी इज कॉल्ड मैटर। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्मिता बस इतना ही ठीक है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। Now, Justin 3, इसकी characteristics of matter बताओ। The three characteristics. First, there is equal space between every particle of matter. आ जा बेटा, आ गया। बोलो। Then it is continuous vibrating the particles of matter. Continuously vibrates and third it has an attraction force between them the particles have an attraction force between them particle of matter theek hai have space between them particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other ye teenon cheeze bolo aayushi The particles of matter have space between them. Particles of matter attract each other. Particles of matter are continuously moving. Yes, particles of matter have space between them. इस चीज को इस बात कही गई है भावे इसको कैसे प्रूव करोगे कि particles of matter have space between them? Sir, if an object is mixed with another object and the volume of
ये मिक्सचर डजंट चेंज सर वी कैन सी बहुत अच्छा ये सही बात कह रहे हैं मान लीजिए कि अगर हमने अरे क्या बात हो गई मत बोलो ठीक है जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वेसल में बड़ी बड़ी बॉल रख दूं और फिर उसमें पार्टिकल्स डाल दो इस तरीके से या सैंड डाल दो तो क्या वो इसके बीच एकोमोडेट हो जाएगा yes, उसी तरीके से अगर हम वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो वाटर में सॉल्ट डाल दिया जाए तो अल्टीमेटली हम देखेंगे अगर सॉल्ट जब डिजॉल्व हो जाएगा आज ये डिजॉल्व हो चुका है तो डिजॉल्व होने की वजह से आज इसका लेवल वही है ना उस दिन डाला था कि नहीं कम हो गया तो इवेपोरेट हो गया है अदरवाइज सॉल्ट आज इसमें डिजॉल्व है ओके तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम वाटर में सॉल्ट डालें देन व्हाट विल हैपन इट्स लेवल डज नॉट राइज दिस इंडिकेट्स इसी तरीके से बीच बीच में आ जाएगा तो इससे क्या पता चलता है शौर्य से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग ये तुम कैसे प्रूव करोगे मयंक आप और कहीं बैठो ना जाके क्यों बात कर रहे हो बाद में देखो अभी डिस्टर्ब मत करो क्लास में दूसरे बच्चों का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है हाँ बोलो सर फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस रीचेस ऑल कॉर्नर ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक रीचेस एवरी कॉर्नर ऑफ रूम सो दिस प्रूव्स दैट कि पार्टिकल्स अदरवाइज इफ यू put or drop a ink theek hai in glass of water then it spreads throughout the water and mixes well isse bhi kya pata chalta hai agar aap ink dal do pani mein to kya ye apne aap hi mix kar jayegi isse ye pata chalta hai ki particles are continuously moving jaise ye dekh lo वैसे इसमें हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट डाला था तो इसका कलर कैसा हो गया ब्लू हो गया कि नहीं हल्का हल्का लेकिन अब हम इसमें अगर थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो पिछली बार भी देखा था दो तीन लोग हैं तो उनको बता देते हैं ना भी देखो पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा लगता है कि बहुत गिनते क्रिस्टल छोटे क्रिस्टल्स हैं लेकिन आप देखो इतने ऐसा लगता है चार पांच ही हैं लेकिन अगर इसको एक ड्राम में डालेंगे तो पूरे ड्राम को निकल कर सकते ऐसा लगता है क्यों क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी क्रिस्टल खुद भी टाइनी क्रिस्टल से बना हुआ है तो अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो आप क्या देखोगे पोटेशियम परमैंगनेट जैसे मैं इसमें डाल दूं तो कुछ ज्यादा नहीं करना है ये अपने आप घूमते घूमते आप देख रहे हो नीचे से ये मूव कर रहा था तभी तो इस तरीके से घुलने लगा है देखो और थोड़ी देर बाद मूव कर रहा है अपने आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जो मूव कर रहा है ये पूरा डार्क पर्पल हो जाएगा धीरे धीरे मूव कर रहा है जानते हैं मूव करने लगा है मूव करने लगा इससे क्या पता चलता है निखिल बोलो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोला करो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और जब ये कंटिन्यूअसली मूविंग करेंगे तो जब क्लास खत्म होगी आज की तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा तो इससे पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे मूव करेंगे मैं इसको हिलाऊंगा भी नहीं इसको स्टिर भी नहीं करूंगा एंड अल्टीमेटली इट विल बी डार्कर लाइक दिस ठीक है कि नहीं तो ये और डार्क हो सकता है डार्क इतना ही होगा थोड़ा ही ज्यादा इतना होना तो हो गया है अब जरा देखो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पहली बात बताई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम दूसरी चीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो मूव कर रहा है अभी धीरे धीरे स्ट्रीम अपने आप मिल जाएगा कंटिन्यूअसली मूविंग थर्ड पॉइंट क्या है रियान पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आयुषी बताइए हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर एग्जांपल, हाँ सर, इफ यू ट्राई टू ब्रेक अ डस्टर इट विल नॉट, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ डस्टर आर टाइटली क्लेंच्ड विद ईच अदर। यस, पार्टिकल्स मान लीजिए इसमें मार्कर पेन को भी अगर ब्रेक करने की कोशिश करूं, देन इट्स पार्टिकल्स आर टाइटली क्लेंच्ड विद ईच अदर, इसलिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। समझ में आ गए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो जुड़ा हुआ है, कोई फेविकोल से तो जोड़ा नहीं है, अपने आप ही है। डस्टर हो, आयरन हो, वो सब अपने जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं। अब जरा देखिए, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये किसके हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जरा देखिए अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंसेंस स्टिक यहाँ जलाई तो वो एक मिनट बाद वहाँ पहुंचे, इससे पता चल रहा है कि वो अट्रैक्टेड थे, और नहीं तो उनको इमीडिएटली पहुंच जाना चाहिए। या कोई भी पार्टिकल अगर ऐसा ना होता तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता वो अभी धरती को छोड़ के जा चुका होता, तो उनके बीच में अट्रैक्शन है जिससे हम सांस ले पा रहे हैं। तो गैस भी है तो गैस इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है जल्दी जल्दी डिफ्यूज? क्योंकि उनके बीच थोड़ा अट्रैक्शन है, वो बहुत कम है लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर एग्जिस्ट्स इन थ्री स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ये थ्री स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहली बात है कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का एक ठीक ठाक अरेंजमेंट रहता है, लाइक इस तरीके का अरेंजमेंट। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समझिए बहुत बड़ा करके दिखाया गया हो, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर देखेंगे ना जो पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज के, क्रिस्टल में भी, तो उसमें सब कैसे होंगे? बिल्कुल, दे आर वेल अरेंज्ड। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, चाहे मैं इस वुडन की भी बात करूं, इसके अंदर अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो ऐसे ही अरेंजमेंट होगा। तुम इस पेन के अंदर माइक्रोस्कोप फिट कर दो, यही दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है सॉलिड में कि इसके पार्टिकल्स में कैसा अरेंजमेंट है? दीज आर वेल अरेंज्ड। और दूसरी चीज, इसका इसका शेप डेफिनेट है, इसका साइज डेफिनेट है, और जो भी इसका वॉल्यूम है वेल डिफाइंड बाउंड्री है। सो इट हैज डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट है। अगर मान लो तुम्हारी बॉल स्फेरिकल है, खरीद कर आए हो, तो घर आते आते ये क्यूबिकल नहीं हो जाएगी, वो स्फेरिकल है तो स्फीयर ही रहेगी। इसके अलावा इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है। अब देखिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं खत्म होता है तो हम बता सकते हैं इसकी बाउंड्री यहाँ एंड हो रही है, और दूसरे चीज की बाउंड्री यहाँ शुरू हो रही है, ये चीज हो सकती है। तो इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। अब देखो, और इसके अलावा डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनिट है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम पिछली क्लास में भी निकाला है, इस सॉलिड का निकालो, क्यूब का निकालो, तो उसका एक वॉल्यूम होता है कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करके निकाल लेते हैं, तो उसका एक वॉल्यूम है कि कितनी जगह घेरता है। नेक्स्ट इट इज, और क्या हो सकता है? और इट कैन बी कंप्रेस्ड वेरी लिटिल, लेकिन इनकंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी,
आविन क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन बताइए. व्हाट डज इट मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? मान लीजिए जैसे ये देखो कि हमारे पास इसके अंदर गैस भरी है, इसके अंदर अभी गैस है, और अगर आप इसे कंप्रेस करना चाहो तो कंप्रेस करो. थोड़े से वापस आ रही है. देखो ये जैसे मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो ये वापस भी आ जाएगा. फिर से देखो ये है, मैं इसे कंप्रेस करूं वापस आ रही, लेकिन कंप्रेस तो हो रही है ना, कंप्रेस हो रही है. लेकिन अगर मैं इसमें कुछ आयरन पीस डाल दूं तो क्या कंप्रेस हो पाएगा? तो इससे पता चलता है कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता. या इसको मैं कंप्रेस करूं कि भाई इस टेबल को मैं मोड़ के कंप्रेस करके टेबल में ले जाऊं, फिर जाके ब्रीच पे फैला के फिर करूं, ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये नहीं हो सकती. तो सॉलिड क्या है बताइए? इनकंप्रेसिबल. व्हाट डज इट मीन बाई इनकंप्रेसिबल? इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड वॉल्यूम गेट रिड्यूस्ड, वॉल्यूम कम हो जाए किसी चीज का, then it is called compressibility. Compressibility की definition लिखो. अगर मान लो किसी चीज पे क्या apply किया जाए, if pressure, जो finger से हम लगा दे तो क्या था बोलो? If pressure एक definite direction में हम जब लगाते हैं is applied and volume of ऑब्जेक्ट गेट रिड्यूस, तो रियान इसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. वो कैसी होंगी? अभी आपने प्रेस करके देखा है, पिछली क्लास में किया था. हाईली कंप्रेसिबल व्हाइल, सेंटेंस पूरा करिए रियान. व्हाइल सर, व्हाइल सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल. ठीक है, व्हाइल सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता. हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने स्पॉन्ज है तो उसको तो दबा के हम लोग करते हैं, फोम है वो भी तो सॉलिड है, तो उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर की हवा निकलती है, वो गैस है. अगर सिर्फ सॉलिड सॉलिड होता तो हम ना कर पाते. देखो तो ये इनकंप्रेसिबल है. इसके अलावा व्हाट डज इट मीन बाय रिजिड? रिजिडिटी से क्या समझते हो? दैट इज रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब है इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड इट्स शेप डज नॉट चेंज तो उसे रिजिडिटी कहते हैं. ये देखो, मान लो इसे सॉलिड मान लो और मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं और इसका शेप चेंज ना हो तो क्या कहेंगे बताइए? देन इट इज कॉल्ड रिजिड. अब फोर्स लगाओ, जैसे आप वो स्लाइम मोल्ड नहीं होता है, आप लोग ऐसे खींचते हो, खेलने वाला आता है तो बढ़ता घटता जाता है, तो वो फिर रिजिड नहीं है. जिस चीज़ का आपके हाथ में इरेजर है वो रिजिड नहीं है, फोर्स लगा के उसको इधर उधर कर देते हो, लेकिन जिसमें अगर शेप ना चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे? रिजिडिटी को शॉर्ट डिफाइन करो. हाँ, आप ही से पूछा जा रहा है. शेप ना बदले. तो अब इसमें बताइए कि कौन रिजिड है और कौन रिजिड नहीं है. बोलो बोलो. सॉलिड्स आर रिजिड. और बोलो लिक्विड में अगर आप तुम हाथ दबाओगे तो वो तो लिक्विड फैल ही जाएगा.
लिक्विड में ऐसे भी फैला सकते हो, ऐसे भी फैला सकते हो, कमरे में लिक्विड फैला दो। तो सॉलिड्स आर रिजिड व्हाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। सॉलिड्स आर रिजिड व्हाइल लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। तो ये रिजिड होता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। ये तो लिख ही दिया। देन इट इज कॉल्ड रिजिड, फोर्स इज अप्लाइड एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका शेप, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? देन इट इज कॉल्ड रिजिडिटी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। और उस गुण को दृढ़ता कहेंगे। क्या कहेंगे? दृढ़ता, दैट इज रिजिडिटी। सो देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिड। हाउएवर जैसे कोई एक ऐसा पेड़ हो, खड़ा हो, आंधी तूफान है क्या, हम तो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो आंधी तोड़ के चली जाएगी। और घास का तिनका रिजिड नहीं है, आंधी आने के बाद क्या घास को तोड़ पाती है? वो तो ऐसे मुड़ जाएगा आंधी के जाने बाद फिर। लेकिन अगर जो बड़े पेड़ है रिजिड है तो वो तो टूट ही जाएंगे। तो रिजिड जो होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। बात समझ आ गई? तो ये मुझे बताइए, व्हाट इज रिजिडिटी? सर, इफ फोर्स इज अप्लाइड, इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, इट इज कॉल्ड, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिड। एंड एंड सॉलिड्स, सॉलिड्स आर नॉट, सॉलिड्स आर नॉट रिजिड वेयर एज लिक्विड्स आर नॉट। So what is rigidity? And this property is called rigidity. इस गुण को रखता है। समझ आई बात कि नहीं? ये भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लो एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। हाँ, तुम क्या आयुषी बता रही थी? What is fluidity? क्या बताया था? बोलो जरा। Fluidity. If boundaries are removed and object starts flowing, then they are called fluid and this property is called fluidity. लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। क्या हवा बहती है? कहते yes, हवा बह रही है। कैसे बह रही है? क्योंकि कन्फाइन नहीं कर रहा है, सब खुले में छोड़ दो तो बहेगी नहीं। तो जरा एक बार फिर से रिपीट करो। चलो आप बताओ, ये थोड़ा भी सुन नहीं पाएंगे, आप बताओ। आप बोलो। लर्निंग इज लिसनिंग इज लर्निंग। सुन लिया तो समझ गया। इफ द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग देन इट्स कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स व्हाइल सॉलिड इज नॉट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये बात सही है। इफ मान लीजिए कोई एक ऐसे पैक है और तुमने उसकी एक बाउंड्री खोल दी, ये खोल दी, तो खोलने के बाद क्या इसमें जो फ्लूइड भरा था वो बहने लगेगा? तो बह जाएगा। आप इसका एक फ्लैप इधर खोल लें तो क्या ये बह जाएगा? बह जाएगा। सो इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग देन से क्या होगा? Then it is called fluid. उसे fluid कहेंगे। Liquid and gases. क्या liquid और gases flow कर सकती हैं? So property of flowing is called fluidity. Property of flowing. तो स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो दीज आर फ्लूइड। और लक्षिता सॉलिड क्या है बताइए जरा? सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड।
या कोई चीज रिजिड होगी या कोई चीज फ्लूइड होगी, दोनों नहीं हो सकती है। तो सॉलिड रिजिड है जबकि लिक्विड क्या है? हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई, फ्लूइडिटी। अब अगली बात देखो, इसमें एक और चीज है, इट हैज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्या व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं? यस सर। ये हो या इसके अलावा कई दूसरे तरीके से, बहुत तरीके के होते हैं कि अपने अपने अरेंजमेंट्स हैं, कुछ इस तरीके से भी है। तो सॉलिड का कोई एक तरीके का क्रम नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है या और भी वहाँ भी एक व्यवस्था है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो अच्छा, इसके आगे क्या लिखे? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कैसा अरेंजमेंट है बोलो? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, यही तो किसी चीज को क्रिस्टलाइन बनाती है। सॉलिड देखो दिखने में कितने अच्छे क्रिस्टल लग रहे हैं, तो क्यों है? क्योंकि अंदर अरेंजमेंट अच्छा है। अगर रिपब्लिक डे परेड में इसका बनेंगे तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। ये नियोबियम हाइड्रोक्साइड लेकिन फिर आप देख लो है क्रिस्टल की नहीं, तो कोई भी चीज है क्योंकि अरेंजमेंट अंदर से ठीक है, इसीलिए बाहर से भी व्यवस्थित है कि नहीं? देख लिया, अगला क्या लिख दिया बताइए? ऑर्डर। और जो सॉलिड है उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। तीन चीजें अलग अलग देखो, कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में फर्क क्या है? ये देखिए, हमने थ्री बीकर लिए, एक दो, अच्छा इसमें हमने क्या किया, एक सॉलिड रख लिया। तो जो सॉलिड रखा है तो क्या उसके पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज होंगे? ऐसे बहुत क्लोज क्लोज होंगे, इस तरीके से होगा। नाउ लिक्विड, क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये जो सॉलिड है, कैन इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट? की नहीं। अच्छा, यानी उस कंटेनर को क्या फिल कर पा रहा है कि फिल भी नहीं कर पा रहा है? फिल भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये लिक्विड है, तो लिक्विड में जो इनके बीच का स्पेस है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस, हाँ बात नहीं करो अभी, आप हमसे पूछ लेना, हमसे बात नहीं करो ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, मॉलिक्यूल है जो H2O है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये सब मॉलिक्यूल है। और अगर मैं सिर्फ H को कहूं तो ये एक एटम है, तो दो H एटम और एक O एटम मिल जाए आपस में तो मॉलिक्यूल बनता है। इसमें अलग अलग एक है एटम और ये पूरा क्या है? मॉलिक्यूल। एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल कर सकते हैं। जो हम पानी पीते हैं वास्तव में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल पी जाते हैं, समझा गया? जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे O2 के मॉलिक्यूल सांस ले रहे हैं, और जब निकालते हैं तो किसके मॉलिक्यूल निकालते हैं? एटम को अलग अलग कर सकते, क्या एटम को अलग अलग कर सकते? हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन हमारे करने के बाद तुरंत फिर से जुड़ जाएंगे। इंडिपेंडेंटली एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्री स्टेट। अब जरा देखो, तो यहाँ पर ये हमने जो दूसरा दिखाया, ये लिक्विड है
और अब तीसरा देखो, ये तो लिक्विड हो गया, ये वाटर है, ये समझो वाटर बन गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स। और तीसरे में हमने जानते हैं क्या किया है, तीसरे में हम इसको ढक्कन से बंद कर दिया, और ऐसा करने के बाद इसमें गैस है। तो बोलो जस्मिता पहले वाले में क्या लिखे, ये सॉलिड है, तो सॉलिड्स डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, ये बोलो मयंक। लिक्विड कैन द टेक द शेप ऑफ कंटेनर, गोल बर्तन में रखोगे तो लिक्विड गोल हो जाएगा, बीकर में रखोगे तो उसका आकार ले लेगा। तो लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, गैस ये सही बता दो, पूरा बताए स्नेहा का बहुत अच्छा था, गैस कैन फिल द कंटेनर, जो देखा तब तो बता पाई, और तुम क्यों नहीं बता पाए, यही कैसे बता दे, फिर से तीनों बताओ स्नेहा। जिसमें रखोगे इतना रैंडम मोशन है, यहाँ वहाँ भाग के पूरा फिल कर दे, जैसे मुट्ठी भर बच्चों को प्ले ग्राउंड में छोड़ दो, भाग भाग के पूरा प्ले ग्राउंड फिल कर दो, और फिर बटोर लो क्लास में डालो, यही तो होता है। अब जरा देखो, तो पहली बात बोलिए, इट कैन नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज, इन विच इट इज के। और बात बताओ, ये सब मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो स्पेस है या इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, बताओ यहाँ ज्यादा है कि यहाँ, तो जो गैस है गैस में इससे 10 गुना ही ज्यादा होती है, इतना याद रखो आगे की क्लास के ट्रस्ट के लिए बता दो। तो अगर कोई पूछे गैस में दो पार्टिकल कितने हैं, तो जितना यहाँ स्पेस है उसका 10 गुना ही ज्यादा, उतने में इतने फर्क है, तो ये 2 एंगस्ट्रॉम ये 20 एंगस्ट्रॉम, इतना ही, थोड़ा कोई एंगस्ट्रॉम कुछ होता होगा 10^-10 को कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में इंटर मॉलिकुलर स्पेस कम है कि ज्यादा फलक, और गैस में इनके इनके बीच स्पेस ज्यादा है, तो लिखो इंटर मॉलिकुलर स्पेस, जो मॉलिक्यूल ना बोलना चाहे वो इंटर पार्टिकल स्पेस, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल भी बोल सकते, तो लिखो इंटर मॉलिकुलर स्पेस, प्रद्युम्न इनके बीच इंटरमॉलिकुलर स्पेस कैसा है, कम या ज्यादा, मतलब दो पार्टिकल के बीच स्पेस कम, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा है, ज्यादा, तभी तो तोड़ नहीं पा रहे, तो जितनी पास होएंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूल के बीच फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर, तभी तो सॉलिड ही, ठीक है। अब जरा देखें कि कुछ और चीजें देखिए, कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, और क्या जो इनके पार्टिकल्स हैं क्या ये सिर्फ अपने लेटेस्ट पॉइंट जहां ये हैं उसको लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं, वहां पे सिर्फ ये हिल डुल सकते हैं कि पूरा घूम सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, घूम नहीं सकते, कह दो ये वहां चला जाए तो जो तुम्हारे हाथ में वो पेंसिल बॉक्स है वो बहने लगेगा, क्या वो बह बह के भाग रहा है क्या चारों तरफ, तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं दे ओनली वाइब्रेट एट देयर लेटेस्ट पॉइंट्स, बट दे कैन नॉट लीव देयर लेटेस्ट पॉइंट्स, उनको जहां रखा है उस जगह को नहीं छोड़ सकते, इनके बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पे वो क्या कर सकते हैं, हिल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, बात है कि नहीं। तो जरा दो चीजें देखें कि
मूव नहीं करते हैं, बस ये वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बोल रही है कि ये आइस क्यूब है, ये क्या चीज है? आइस, आइस का क्यूब ले लो, उसको रख दो चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन में, तो क्या इसमें जब हीट मिलेगी तो क्या इसके पार्टिकल पहले धीरे धीरे ऑसिलेट करते हैं, फिर अब तेजी तेजी से ऑसिलेट करने लगे, हीट मिल रही है, और हीट मिलने पे जब और तेजी से ऑसिलेट करेंगे तो वो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एंड नाउ दे विल लीव देयर लैटिस पॉइंट्स। जब बहुत तेजी से हो, जैसे कुछ लोग हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, फिर लोग इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, क्योंकि सबको एनर्जी ड्रिंक पीने को मिल गया है, तो क्या सबके हाथ टूट जाएंगे जो हाथ पकड़े हैं, और ऐसे में वो सिर्फ इधर उधर भागेंगे और उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो जैसा इन्होंने कहा कि वो अगले पेज का इन्होंने पूछा कि सर अगर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, बहुत तेजी तेजी से करेंगे, एंड एट सर्टेन टेम्परेचर दे लीव देयर लैटिस पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। नाउ दे लीव देयर शेप, वो अपने शेप को छोड़ देंगे, एंड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। बात समझ आ गई? तो अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक बार और दिखाते हैं, तो वो लोग एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी चीज में, जैसे मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या H2O कहते हो, और ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से चलने लग जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी देखो इसको क्या लिखा है, ये काइनेटिक एनर्जी है तो इसे कैरी भी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें किया जाता है, इसको जूल में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला समझो, हाफ इनटू इसका जो भी मास होगा, आप चाहे पार्टिकल ले लो, नहीं तो H2O नहीं लेना चाहते तो कार ले लो, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मान लो ये कार है और ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही, तो इसकी स्पीड हुई, और ये मास इसका मान लीजिए 1000 kg, स्कूटर से 10 गुना भारी होती है, स्कूटर 100 किलो की है, कार 1000 किलो की, ट्रक 10000 किलो। तो बोलो यार क्या लिखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, मास कितना है और वेलोसिटी कितनी है, लेकिन 40 का स्क्वायर तो सोचो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, शोर कितनी हो गई बोलो, 8 lakh, बाकी लोग 8000 बता रहे हैं, 8 lakh। समझ आई बात? तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। अच्छा ये बात बताओ भाविन, मान लो मैंने एक बुलेट ऐसे फेंक दिया पिस्टल से मारी, तो किस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो जैसा कि भाविन ने हम सब लोगों को बता दिया है, ऑफ कोर्स सर इट इज द पिस्टल इन विच, क्यों इन्होंने ऐसा बताया, बोला इन्होंने सर ये मोशन की वजह से है, तो जिसमें वी ज्यादा होगा है ना, तो उस अगर वी बढ़ाते चले जाओ वेलोसिटी तो क्या बढ़ जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसकी वी की जगह 40 की जगह 80 कर दें तो क्या ये नहीं बढ़ जाएगी, बोल पास में जाए। तो भाविन अगर पैदल चले सौर्य और एक है कि दौड़ता हुआ भाविन, तो तुम किस भाविन में गतिज ऊर्जा अधिक महसूस करो, भागते हुए भाविन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और टहलते हुए में कम, और सिर्फ लेटे हुए में और कम, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ अपनी जगह सो रहे हैं, और जबकि लिक्विड के पार्टिकल क्या है, वो टहल रहे हैं, और जबकि गैस के पार्टिकल भागते हुए भाविन की तरह। बहुत अच्छा भाविन ने बताया, नहीं इतना कौन बता पाता है, देखो उन्होंने क्लियरली बता दिया, इफ वेलोसिटी इज मोर देन व्हाट विल बी मोर भाविन, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा, समझ में आ गई बात ना, इफ काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन
वो बिल्कुल सही है। और अगर मान लो टेम्परेचर तो बढ़ाओगे तो फिर उससे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, काइनेटिक। अब जरा देखो तो इस केस में क्या लिखो बोलो, सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी की हाईएस्ट सॉलिड। ये आज हर चीज यही सही बता रहे हैं, देखो और कोई ये लोग इतने दिन से क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने बता दिया लीस्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल कह रहे हैं कितना इंटेलिजेंट भी है, कह रहे हैं सर इसके पार्टिकल तो हिल ही नहीं रहे हैं, और जब हिल नहीं रहे हैं तो उनमें स्पीड क्या होगी, और जब स्पीड ही नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस चीज को सॉरे ने कितना क्लियर किया, नहीं ना आते तो आज कैसे चलती क्लास। सो काइनेटिक एनर्जी किस में लीस्ट होती है बोलो, और किस में इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट का मतलब बीच की, हाईएस्ट होती है गैस, हाईएस्ट गैस में, और इंटरमीडिएट और लीस्ट सॉलिड। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट। इतनी बात समझ आ गई, अब जरा देखिए वेट तो फोर्स होता है, मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन, अमाउंट वेट होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको कहते हैं, जहां अर्थ नहीं होगी तो वहां मास तो होगा लेकिन वेट नहीं होगा, अर्थ जिस फोर्स से खींचती है उसको वेट कहते हैं, और लेकिन उसमें कोई भी चीज कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितने पार्टिकल है उससे उसका मास है। काउंट करने से तो एक नंबर आएगा, लेकिन उसमें जो भी मास है कि कितने एटम्स हैं उन सबका अपना मास कितना है, मास का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे सन है तो इट इज ओनली द अमाउंट ऑफ मैटर। काउंटिंग में तो तुम कह दो कि दो तरबूज हैं और 10 सरसों के दाने हैं तो 10 सरसों के दाने का मास ज़्यादा होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं सर तरबूज काउंटिंग से नहीं कह सकते हो, काउंटिंग में कह दो 10 बॉल के मास ज़्यादा होंगे कि 2 फुटबॉल के, तो हो सकता है 2 फुटबॉल के ज़्यादा हो जाए, तो सिर्फ काउंटिंग नहीं कही जा सकती, यानी टोटल तोड़ तोड़ कर देखें तो कितने सारे पार्टिकल्स, अगर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा मास होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म से देखो कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, तो ज़्यादा होगा, अगर किसी चीज़ का ज़्यादा मास होगा तो धरती उसको अपनी ओर और तेज़ी से पुल करेगी, तो मास ज़्यादा होने से उस चीज़ का वेट भी ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ भारी हो जाती है, फिर तुमको उसके अर्थ के अपोज में उठाने में ज़्यादा लगता है, तो आप ये कह सकते हो कि जिसका वेट ज़्यादा है उसका मास भी ज़्यादा, समझ में आ गई। और अगर इंटरस्टेलर स्पेस या डीप स्पेस में चले जाओ तो वहाँ मास तो होगा लेकिन उसको कोई पुल करने वाला ही नहीं होगा, तो वहाँ वेट ज़ीरो होगा, लेकिन बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी मास होते हुए भी उन पर कोई वेट नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी हो गई, अब जरा बात करो, ये है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि कोई कोई चीज बहुत भारी हो जाती है और कोई कोई चीज क्या हो जाती है, क्या आप ये देखो कि अगर ये देखिए कि लेट अस सी, देखो कोई कोई चीज ज्यादा भारी है और कोई हल्की भी हो जाए। अब ये मरकरी है, मरकरी को तुम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मरकरी है उठा के देखो, क्या तुम्हें भारी लग रही कि बहुत हल्की है ना, और ये सिर्फ पानी लग जाते यार रुई तो इतनी होती, हिला के देखो जरा, लोहे से भी कई गुना भारी, तो इससे पता चलता है इसी को थर्मामीटर में यूज करते हैं, तो इट इज क्वाइट है, तो किसी किसी चीज की डेंसिटी है जबकि आधी शीशी भरी है तब भी आधा किलो,
और पानी होता तो कितना भारी लगता है ये। तो डेंसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ मैटर, ये कोई ला तो है कुछ सब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो लाइटर होते हैं और कुछ कैसे होते हैं तो वो ज्यादा हैवियर, तो उसी में एक लेट भी है, लेट भी बहुत हैवी होता है और कुछ चीजें हल्की भी होती हैं। जैसे आप ये देख लो कि मान लीजिए मैग्नीशियम का दीवान है ये, तो ये वही एक एक ये मेटल है और एक ये मेटल है, तो आप इसमें देख सकते हो दोनों मेटल में कि कौन सा मेटल ज्यादा भारी। तो इसको हम डेंसिटी में देखेंगे कि किसकी डेंसिटी कम है किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जरा देखो, एक तरफ तुम्हारे हाथ में लेड है और एक तरफ ये है, जरा दोनों को उठा के देखो, है ना। इसमें मैग्नीशियम है और लेड है, तो विच इज हैवियर। तो कौन सा हैवियर लग रहा है इसमें, बल्कि मैं और भी दे दूं तब ये उसका भारी नहीं है ना, तो मैं लेड ज्यादा भारी हुआ कि नहीं, ये देखो अभी दोनों में कम गया था, कौन ज्यादा भारी है, लेड की मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है उसकी हर साल तुम फुलझड़ी छुड़ा दी थी, ये फुलझड़ी वाला मेटल सर। तो समझ में आया, तो कोई चीज हल्की होती कोई भारी, इतना समझ में आ रहा है, ये मैग्नीशियम है वो लेड है, ये देखो। So, अब हम देखेंगे डेंसिटी, अगर हम रुई देखें और वाटर देखें तो कौन सा भारी होगा, वाटर, हनी और वाटर में हनी नीचे बैठ जाता है, पानी में अगर छोड़ो तो हनी नीचे बैठ जाता है कि नहीं, तो कौन सा ज्यादा भारी होगा, ये लेड है ये मैग्नीशियम, इसके फुलझड़ी बनती है, जो क्रैकर्स है ना ये वही मैग्नीशियम, समझ आ गया, उससे भी ज्यादा भारी मर्करी है। देखो मास तो तुम्हें समझ में आ गया, अब जरा देखें कि That is, मान लो ये 1 meter है, ये 1 meter और ये 1 meter है, एक क्यूब है, ऐसा तुम्हारे घर के ऊपर की पानी की टंकी होती है 1 meter, इतना होता 1 meter और 1 meter और 1 meter, उतने में 1000 liter पानी आता है। तो अब अगर इसके अंदर जो पानी है उस वाटर को देखो तो 1000 kg वाटर, मान लीटर भी है, 1 kg पानी 1 liter भी होता है, 1 kg तो उसका मास है लेकिन वॉल्यूम 1 liter, समझ आई बात। चलो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जरा ध्यान दीजिए, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए सब्सटेंस कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से ध्यान दो, इसका वॉल्यूम जरा निकालो, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्या साइड का क्यूब, तो दैट इज l into l into l, तो दैट इज साइड का क्यूब, तो इसकी हर साइड कितनी है, तो 1 meter का क्यूब करो, 1 meter into 1 meter into 1 meter, तो भावी क्या आंसर आ जाएगा, 1 meter cube, 1 meter cube में जो 1 meter का क्यूब है यानी इतना बड़ा, ये 1 meter इसी का इतना ही ऊंचाई भी ले लो, इतनी बड़ी टंकी,
ये है 1 मीटर, 1 मीटर इधर डेल इतना, तो इतना बड़ा जो क्यूब होगा तो उसमें कितना मास होगा बताओ? तो मास कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मैटर ना लिख के सिर्फ ये भी लिख, मास कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होती है बोलिए? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताओ यहाँ मास कितना है इसमें? 1000 kg, और वॉल्यूम कितना है? तो बोलिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हुई? 1000 kg/m³। 1 से तो ये कट गया, 1000/1 कितना होता है? 1000, तो कितना आंसर आ गया? 1000 kg और पर। अगर तुम इतनी ही बड़ी पानी की टंकी लेते और उसमें मरकरी डालते, तुमको मरकरी दिखाया था अभी, तो ध्यान दो, तो ऐसी स्थिति में कितना मरकरी आ जाता बताओ? इसमें 1000 किलो आया है और तुम अपने पानी की टंकी मरकरी से ही भर देते तो 13600 किलो आता। यानी ये जो चीज तुम्हें हमने शीशी में दिखाई है वो वाटर से 13.6 टाइम्स हैवियर। और तुम क्या ऐसा सोच रहे हो अगर मैं इसमें सोना भर के दिखाता तो ये 19.8 टाइम्स हैवियर होती? सॉरी ने बोला, यानी इनके सुराग का काम होता हो, कैसे ये हर चीज ये कैसे जाना? और चांदी भर देते तो क्या ये 10.8 टाइम्स होती? आर्किमिडीज वाले चैप्टर में देखा है, प्रेशर फोर्स एंड हर चीज इनको मालूम है। तो अलग अलग चीज अलग अलग है भी है, तो आप समझ गए ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मरकरी की डेंसिटी मयंक तो क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो इन्होंने कहा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना है बोलो? 13600 kg अपॉन वॉल्यूम 1 m³। जैसा मयंक ने हम लोगों को बताया 13600 kg, क्योंकि मयंक ही बता सकते थे और कोई नहीं। तो वाटर का वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी क्या है आपके? 1000 kg/m³, 1000 किलो, 1 m³ में 1000 किलो। मरकरी की डेंसिटी क्या है? kg/m³, 1 m³ में 13600 kg। बोलो बात समझ आ गई? व्हाट इज डेंसिटी, डिफाइन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या कहेंगे डेंसिटी? जरा ध्यान दीजिए, 13600। और कहां पे लिखा है सब लोग? है ना? अब जरा देखो कि मान लीजिए सर, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी डेंसिटी kg/m³। मान लो ये 2 m है, ये 2 m है, ये 2 m है, और इसमें 8000 kg वाटर है, तो आप मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल के दिखाएं। डेंसिटी ऑफ वाटर, सो देखो किसी से ये आपको दिया गया है, तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी का पटक क्या फार्मूला है? तो मास की जगह क्या रखोगे बताओ? 8000 kg, और नीचे क्या रखोगी? 2। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं इन्होंने, 2 m × 2 m वॉल्यूम क्या होता है? क्या साइड का क्यूब? सो 2 m का क्यूब कर दो कितना होगा बोलो? 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 का क्यूब और kg। इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 का क्यूब कितना हुआ बोलो? 8 हुआ, तो जरा कट करके देखो कितना हो गया?
जस्मिता बताओ वाटर की डेंसिटी क्या है? मर्करी की डेंसिटी क्या है? नो, मर्करी की डेंसिटी बताओ। 136,000 क्या होता है? 13,600 को अलग बोला जाता है और 100 बोलो तुम 100 को भी 1000 में मिक्स कर दोगी क्या? 13,600 ये 136,000 बोलो मर्करी की डेंसिटी। बोलो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, मीटर के क्यूब लगाना। डेंसिटी को डिफाइन करो सर, मास अपॉन पूरा डिफाइन करो सर। इट इज मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मुझे बताइए डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड हैज हाईएस्ट, मतलब ऐसे हवा हल्की है कि पानी उससे भारी, और पानी से भारी सॉलिड, सबसे भारी कौन होगा? सॉलिड। तो सॉलिड हैज, बोलो सॉलिड हैज हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट है। अब जरा देखिए, ओके नाउ पहला क्वेश्चन, राइट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर देम। ये डायग्राम बनाना, इसमें ऐसे बनाना, इसमें ऐसे बनाना, और इसमें ढक्कन बंद कर देना। ठीक है, डिफाइन करना एंड ड्रॉ, यही करना है बस। इसको सॉलिड लिखना, इसको ऐसा बुक में भी बना हुआ है। एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर देयर मॉलिक्यूलर, बस फॉर देम, उनके लिए बनाओ। और सेकंड, राइट फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। मुझे लगता है 10 होंगी, कितने अकाउंट कर लो, 10 से 12 होंगे, 9 ही लिखे। सो राइट फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, डिफाइन डेंसिटी एंड राइट डेंस फार्मूला ऑफ इट। ऑल्सो टेल डेंसिटी ऑफ वॉटर। सर
आपको याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स डेंसिटी है। मास इतना होगा तो मास और ये वन क्यूब बना देंगे, ये डायग्राम छोड़ देंगे। जब वन मीटर के लिए लिया तब भी इसका यही आया, और टू लिया तब भी क्या वही आया, डेंसिटी कभी बदलती नहीं है। वाटर की हजार है तो पूरी जो एम एस सी तक चले जाओगे हजार ही रहेगी। पानी तो जितना भारी है जो उसकी डेंसिटी है वही तो रहेगी ना। Also tell density of water, तो वो तो समझ ही नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? Also tell density of water, at least 1000 kg per meter, निकालना नहीं बस बता देना ही है। याद सर, आप लिखिए ना density of water is this। जनरली वही बात करेंगे जो सॉलिड में की थी, ओके? सो लिक्विड स्टेट में क्या है, नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल हिलते डुलते रहते हैं ना, तो क्या लिख लें, नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, ये बात सही है कि नहीं? लिक्विड में वो तो ऐसे ही अपने सरफेस के अंदर वो क्या करते रहेंगे, बोलो, दे कीप ऑन मूविंग। तो लिक्विड स्टेट में अगर देखा जाए तो पार्टिकल कीप ऑन मूविंग विद इन देयर बाउंड्री। ये देखो liquid state. 1. Number of gaseous elements are 11. Hydrogen, 8. Devo. Sir. Matter. Matter is anything that has mass. ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। मेटल में देखो वाइब्रेशन, आप देखो कौन सा पेपर। सर मुझे एक्स्ट्रा शीट चाहिए। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस इज मैटर। मैटर एग्जिस्ट्स इन थ्री स्टेट्स। 1. सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड में कैसे है, वो तो अपने शेप में है, वैसा शेप तो नहीं ले रहा है ना। सॉलिड स्टेट 1, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो इनका जो शेप है वही रह रहा है, चाहे अगर इसको गिरा देंगे तो भी वैसे ही रहेगा। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है क्या, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही। कौन intermolecular forces का फायर vibrational motion only। ये three, they have high density। density high है, particles are nearly particles are closer to each other नहीं। five, they are not fluids। fluid नहीं है ना ये, क्या बोलोगे,
पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप ऑन मूविंग विद इन देयर बाउंड्री. रिपीट करो. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैसे होते हैं? रिपीट करो. आप विद इन देयर बाउंड्री. जरा फिर से देखो, अभी इनका मूवमेंट देखना. ये देखो, फिर से देखना इधर. अभी कैसे ये हिल रहे हैं ये देखना. लिक्विड One. हिल रहे हैं कि नहीं? They have no definite shape. Nothing. Assume the shape of the container. जिस कंटेनर में है उसी का शेप ले लेते हैं. क्या ये कंटेनर को फिल कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना, क्योंकि आधा तो आधा ही भरा रहता है, ग्लास तो आधा भरा रहता है. और क्या क्या चीज हो सकती है? क्या ये मान लो तुम एक लीटर दूध है और तुम ऊपर से प्रेशर लगाओ एक डिस्क से, उसको दबाना चाहो या सिरिंज में भर के, तो क्या उसे तुम 10 ml कम कर लोगे? 10 ml इतना कम कर लोगे इसमें? दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि इनमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कंप्रेस कर पाए नहीं, लेकिन थोड़ा हो जाएगा. तो ये कभी भी मत बोलना कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड के लिए क्या बोलोगे? लेस कंप्रेसिबल. क्या लिक्विड रिजिड है? लिक्विड इसके अलावा फ्लूइड है, फ्लूइडिटी है. और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बिटवीन पार्टिकल्स बताओ? किससे मतलब सॉलिड से ज्यादा है क्या? सॉलिड से कम है, क्योंकि लिक्विड को तो तुम वहां से पानी से उठा के अलग भी कर सकते हो, तो उसमें कम है. लिक्विड को तो अलग किया जा सकता है ना. अच्छा बताओ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. बहुत अच्छा, सॉलिड से ज्यादा और गैस से, देखो तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी इन्होंने बता दिया, सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम. डेंसिटी बताओ भाविन. सर डेंसिटी लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस. लेस देन काइनेटिक एनर्जी. क्या ये मूव कर रहे थे क्या अभी? इसमें पिक्चर में देखा था वीडियो, मूव अपनी जगह मूव कर रहे थे, बाउंड्री के अंदर अंदर मूव कर रहे थे. तो बोलो इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा हुई कि कम? और गैस से? गैस से कम हुई. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई. डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी बताओ. सॉलिड से कम, सॉलिड से हल्का होता है, ठीक है. और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की. सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होता है, कॉम्पैक्ट होता है. बात समझ आ गई? इसके आगे कल हम लोग करेंगे. Gracias.